बच्चा निकल ना जाए. They had to amputate one arm. मुझे तो वॉमिट टाइप आ रही है. इसने आइडिया. Hi guys, welcome back to Two is a Crowd. हमने फाइनली मामा को फायर कर दिया. ऐसा नहीं है, we are missing him very much and Shivam, please come back soon. He's in Australia, maybe getting kicked by some kangaroos. Guys, we've come together after very long to do this video. Actually, this is a girl's video. Yes. And it's about Gynae posting. It makes so much sense. ये हमारा लेबर रूम है. सब तो गायब हो गए. सब गायब हो गए यहाँ से. अबे ये अबे उसकी डिलीवरी तो नहीं हो रही. Run. Oh my God, हमारी गायनी में traumatic चीजें देखी है मैंने. I'm not the same person that I was 1 month back. एक डिलीवरी तो देख लूंगी. हाँ. Oh shit, इतना चिल्ला रही है. अरे यार वो बच्चा निकल ना जाए. बहुत ट्रॉमेटिक होता है वहाँ पे. बस सब नर्सेज और दाई और यू नो हमारी मैम वगैरह भी बोले जाते पुश 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 डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा भी बहुत डिसगस्टिंग होती है. इतना खून. ओ माय गॉड, मेरी क्लास में पता नहीं कितने बच्चे भी होश हुए हैं ये देख के. लेबर रूम पोस्टिंग जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी सब भी होश हो जाते थे. कभी कभी हमारे मैम वगैरह जिन्होंने गाउन नहीं पहने होते ना वो ऊपर से पुश करते हैं और बेबी पट्ट करके बाहर निकलता है और उनके ऊपर पूरा एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह गिर जाता है. ऐसा भी होता है बहुत बार. क्या पट्ट करके बाहर के ऐसे. हाँ, शूट्स आउट द लिक्विड, शूट्स आउट एंड द बेबी जस्ट पॉप्स आउट. मैंने तो ऐसी डिलीवरीज भी देखी है जिसमें वो बस हमें हेड दिख रहा है बेबी का और वो बोल रहे हैं पुश करो ना. तुम अब क्यों नहीं पुश कर रही, पुश करो पुश करो. फिर वो बेबी पॉप आउट होता है. फिर उस बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं. इतने क्यूट होते हैं और वो बेबी को क्लीन करते हुए भी मैं कर रहा होता है. बहुत ही क्यूट है. वो वाला पार्ट तो बहुत क्यूट होता है. मदर की साइड में स्टिचिंग हो रही होती है, बेबी की साइड पहुंच जाती हूँ मैं फटाफट भाग के और बेबी का फुट स्टैम्प लेते हैं. टाइनी फीट. आइडेंटिफिकेशन के लिए लेते हैं वो. अच्छा, तो फिंगर्स नहीं ले सकते. नहीं, फिंगर्स मुंह में डाल लेगा ना. और मैंने तो इतनी स्टोरीज सुनी है मतलब अपने सीनियर्स वगैरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं कि वो तो एक ही बेबी का फुट लेके सारे स्टैम्प्स कर देते हैं. कहते हैं इतने बच्चे होते हैं, इतना थोड़ी हमारे पास टाइम है कि एक एक का वो करते हैं. आइडेंटिफिकेशन बैंड तो पहना रहे हैं ना. किसी का भी बेबी का फुट कहीं भी लगा देते हैं. सो गाइस, हमने अपनी फर्स्ट बहुत प्रॉपर डिलीवरी देखी. कॉम्प्लिकेटेड और हम इतने डिस्गस्टेड थे स्टार्टिंग में. इतना गंदा लग रहा था. लड़का हुआ है, मुबारक हो. लड़का हुआ है और हम इतने ज़्यादा डिस्गस्टेड थे पहले और फिर हम बहुत खुश हो गए बेबी को देखते हैं ना. बट हम उससे पहले बहुत डिस्कस्ट थे. मुझे तो वॉमिट टाइप आ रही थी मदर को देखे एंड मदर बहुत ज्यादा पेन में थी. मदर को तेरे को देख के वॉमिट आ रहा. चुप रहे, इसकी तो तबीयत ही खराब लग रही है. तेरे को तो गाय नहीं बनना है ना. ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे. हमारी लेबर रूम पोस्टिंग होती थी 5 days और उसमें मतलब इतना इंटीमेट होता था ना. वो एक तो आपको डिलीवरीज देखने को मिल रही है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करने को मिल रहा है, प्लस यू आल्सो गेट टू टॉक टू द डॉक्टर. सो मेरे सीनियर्स से आई हर्ड अबाउट दिस केस व्हिच वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग. इट वाज अबाउट दिस वुमन हु हैड कम टू द हॉस्पिटल और उसको ना जेस्टेशनल डायबिटीज था, विच इज की डायबिटीज विच डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और उसको पहले से हाइपोथायरॉयडिज्म था. सो शी वाज एनीवेज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्लस शी वाज 35+. तो उसको ऑलरेडी इंजेक्शन वगैरह लगते थे इंसुलिन के रोज, सब कुछ होता था. एंड उसको मना किया था डॉक्टर्स ने कि यार तुम डोंट हैव अ बेबी राइट नाउ, इफ यू वांट डू सरोगेसी. शी वाज वेरी रिच सो शी कुड हैव डन एनीथिंग बट शी लाइक नहीं मेरे को खुद करना है. एंड व्हेन शी केम फॉर डिलीवरी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी. 23 hours शी वाज इन लेबर एंड माय गॉड 20 hours या
एंड आफ्टर दैट शी फाइनली डिलीवर्ड अ बेबी. उस टाइम तक वो ऑलरेडी इतना ब्लड लॉस कर चुकी थी एंड उसकी बॉडी को इतना ट्रॉमा हो चुका था. एंड द बेबी वाज वेरी वेरी क्यूट, वेरी हेल्दी. सो सबको लगा कि चलो गुड न्यूज. द फादर वाज आल्सो हैप्पी कि चलो सब ठीक हो रहा है, सब हो रहा है. बट द मदर, उसकी बॉडी में एक तो इन्फेक्शन हो गया था और उसकी बॉडी सेप्टिक शॉक में चली गई थी. हर ऑर्गन्स वर शटिंग डाउन बिकॉज शी वाज इन लेबर फॉर सो मेनी आवर्स. उसकी वजह से उसकी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस पड़ा. प्लस शी ऑलरेडी हैड थायराइडिज्म, शी ऑलरेडी हैड डायबिटीज, शी आई थिंक शी ऑलरेडी हैड हाइपरटेंशन टू. सो शी कुडंट हैंडल ऑल ऑफ दिस. सो द मदर वॉज इन कोमा फॉर अराउंड 2-3 days. And after that, she woke up, she saw her child. But then they find out that the baby has a genetic disorder. And that means throughout the baby's life, they will have this disorder. Yeah, and the baby won't even survive that long. They will probably pass away in a few months. And a few months. Anyway, so the mother, they had to remove the uterus. They had to remove the ovaries. उसके हाथ और पैरों में gangrene हो गया था. The mother. Yeah. And they had to amputate her legs. They had to amputate one arm. They had to amputate, I think, fingers of the other arm. And how did she get gangrene? Basically, उसको gangrene इसलिए हो गया था because her body parts didn't get enough oxygen. So, आगे का मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ, but that was a very shocking case. And that case truly showed me the importance of having a good antenatal care, which means care during pregnancy. तो गायनी के लिए तो मेरी रिस्पेक्ट एकदम डबल हो गई इस फील्ड के लिए. इट्स लिटरली, इट सबको लगता है नॉर्मली तो है बेबी डिलीवर कर रहे हैं, कोई काम नहीं होता नॉल, बट दे आर लिटरली द वंस हु कैन मेक और ब्रेक, सेव द बेबीज लाइफ और सेव द मदर्स लाइफ. ऑब्वियसली सम पेरेंट्स विश टू डिसाइड अदरवाइज कि वो डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं लेते, बट डॉक्टर्स को जब मैं देखती हूँ ना लेबर रूम में, जब वो बेबी को डिलीवर कर रहे होते हैं, पीड्स वाले आके बेबी को रेसिसिटेट कर रहे होते हैं जिनको वो जरूरत होती है, तो द हीरोइक सीन होता है लेबर रूम में. So Vidhi, we cannot leave everybody in this sad ending. Yeah. So tell us more. What else happened in your gynae posting? अरे gynae posting हमारी सबसे happening posting होती है और सबसे busy posting होती है. Hello guys, so it's my day one of OPD of gynae और हमारा OPD gynae बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत patient load होता है. इलाज की सुविधा मदीदा अस्पताल में हर गुरुवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, इनफर्टिलिटी क्लिनिक. और ये मेरे हाथ में बनाना क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई और ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है. अजीब जानवर है. Wearing stethoscope for the first time outside hospital. हम ना डॉक्टर्स लग रहे हैं, हम वो भी नहीं लग रहे कि हम अपने सीनियर्स को बोलेंगे हमें विश करो. मुझे माफ करना. मैं बहुत कॉन्शियस फील कर रही हूँ. देख 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 अबे देख पावर. अबे कैसे ज्यादा पावर है, लेकिन तेरा ज्यादा अच्छा क्यों लग रहा है ऐसे? Looks matter. हमें इमरजेंसी के थ्रू जाने नहीं दे रहे. कैसे लोग हैं यार, कोई इज्जत ही नहीं है बाहर. हम पहले से ओपीडी के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं भाई. व्हाट द फक. अबे यार ये तो हर ब्लॉग में तो ऐसी है. इस एग्जाम में भाई सबसे पहले तो हमारी गायनी की वार्डली भी 5-6 घंटे की होती है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है पूरे महीने. तो मैं मैरो से पढ़ रही हूँ. आई एम यूजिंग साक्षी मैम्स वीडियोस. तो अगर मैं इसको आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं, सो इट्स ऑल द इन्वेस्टिगेशंस व्हिच वी एडवाइज टू अ प्रेग्नेंट फीमेल एंड ऑल द एडवाइजर्स व्हिच आर गिवन टू अ प्रेग्नेंट फीमेल. नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स, बट इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नीट. सो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट हेल्पिंग टू प्रिपेयर फॉर माय वार्ड लीव या फॉर द नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम्स, इट्स आल्सो फॉर नीट. तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है सारी वीडियोस देखना और उनके नोट्स बनाना. मैं अभी से बनाने लगी हूँ ताकि मैं ऑब्स गायनी थर्ड ईयर में ही कंप्लीट कर लूँ. तो ये वीडियोस प्रैक्टिकल भी है कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या एडवाइस करनी है, मतलब हम ओपीडी में भी यही देखना है, प्लस थियोरेटिकल भी है, प्लस फैक्चुअल भी है, प्लस आई कैन ऑल्सो डू क्वेश्चंस. मैंने अभी ये वीडियो देखी है, मैं इसकी नोट्स पढ़ूंगी अच्छे से अपने. आपको पता है मेरी आदत है खुद के नोट्स बनाने की. एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. सो बेसिकली इट्स अबाउट अ लेडी हू हैज कम टू द ओपीडी फॉर अ रूटीन चेकअप. What is a gravida and para score? So shayad shame.
was her death. It was a... Okay, that did not just happen. You notice the following instrument being used to monitor a preemie gravida in the first stage of labor. What is this investigation being performed here? It is a cardiotocography. ये मैंने अपने labor room में देखा है. तो मेरा तो सारा काम embarrass हो जाता है. तूने कुछ नई skills भी सीखी या सिर्फ पढ़ाई की है? नई नई skills भी सीखी. हर हफ्ते दो बार हमारा skills lab होता था. हमने copper tea को insert करना सीखा एक just delivered woman में. अब देखो मैं जाऊँगी कैसे? मैं ऐसे जाऊँगी. ये जो curve है ना, ये side wall से जाएगा. इसका नाम मामा. किसने गिराया? Look at my hand. Steady as a rock. I have got the steady hand. लेके जा उसको नीचे प्रेस कर लगता से प्रेस कर अब लेके जा एंड तक. What was the most challenging part of Gynae? I guess the most challenging part was वो charts बनाना. So basically it's called a partograph. और उसमें आपको एक एक घंटे में measure करना है patient का BP, patient कितना dilate हुई है, fetal heartbeat, patient को दर्द कितना हो रहा है, और उसको आपको एक एक लेग point को graph पे plot करना होता है. और फिर आप देखते हो कि normal से graph अगर deviate हो रहा है तो आप action लेते हो, फिर आप वो action लिखते हो, फिर आप लिखते हो कि उस action के बाद क्या हुआ. It's very complicated. तो अगर आपने पहले आर में इसको पेन रिलीफ नहीं दिया है, यस दिया है, तो मैं आई राइट यस. एंड सेकंड आर में आपने, क्योंकि आप फोर फोर आली देखोगे इसको पेन रिलीफ, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा फोर आली चले जाओगे. दिस इज 10, 11, 12, 1. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट गायनी वाज दैट आई गॉट टू यूज माय स्टेथोस्कोप. सुनाई दिया डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं. मेरे को पूरे टाइम ओपीडी में सिर्फ बीपी नपवाया है. इवन लेबर रूम पोस्टिंग में भी बीपी नाप दो. मैंने फिर बीपी नापना सीख लिया, मुझे बहुत अच्छे से आता है बीपी नापना. मैंने कम से कम 50 लोगों से ज्यादा का बीपी नाप लिया. मेरा कितना है बीपी अभी? इट्स अ फेयर क्वेश्चन. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोस्टिंग आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ पब्लिक फोरम जो गायनी के वार्ड के अंदर पेशेंट्स के सामने मैंने बोला है. हमारा पब्लिक फोरम कॉन्ट्रासेप्शन पे है और हमें बिल्कुल हिंदी नहीं आती. तुम लोगों का हो गया क्या? Yes. हो गया? Okay. कैसा था तुम लोगों का? बढ़िया. अरे यार मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को बिल्कुल हिंदी नहीं आती. आपने तो वो गवर्नमेंट की सरकार की स्कीम सुनी ही होगी, छोटा परिवार सुखी परिवार. आप लोगों ने सुना है किसी ने? Too much enthusiasm. Guys, thank you so much for watching this video. This was such an interesting experience for me also, second-hand experience. मैं इसमें इतना ज़्यादा shoot नहीं कर पाई, तब भी I hope कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो. And anyone else who still feels inspired to be a gynecologist after all these stories, you have a really, really, you have some heart. Seriously, but it's a very noble thing, you know, to deliver babies. I remember me going to my gynecologist who delivered me and saying, you know, आपने मेरे को deliver किया था. एंड शी इज द हेड ऑफ अ वेरी वेरी गुड हॉस्पिटल. सो शी इज लाइक की तुम भी डॉक्टर बनोगे, तुम इस चेयर पे आके बैठोगे मेरी जगह, ऐसे करके. सो इट्स अ वेरी, मतलब इट्स अ वेरी गिविंग जॉब. इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब्ड, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट इफ यू लाइक इट. एंड नाउ टाइम फॉर द क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछा है. मैरो मोर देन इनफ है लिटरली. इट्स फॉर नीट पीजी लेवल क्वेश्चंस. तो प्रॉप तो बहुत ही आराम से निकलते हैं. आप पर्ल्स यूज करो, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, वीडियो अच्छे से देखो, नोट्स पढ़ो, इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है करने की. सो यार देखो बहुत ऑनेस्टली कॉलेज में तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्लासेस में मेरे को तो नहीं आता है. तो मैं मोस्टली क्लासेस के बीच में भी मैरो खोल के वीडियो सॉल्व करती हूँ या एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, या फिर कॉलेज के जस्ट बाद लाइब्रेरी में बैठो और सॉल्व करो. मैं तो ये बोलूंगी कि आपको सारे ऐप्स देखने चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए, फ्री वीडियोस हैं वो देखो. बट मैंने तो मैरो यूज किया था, तो आई वुड से कि मेरे को मैरो से काफी बेनिफिट हुआ है. तो हम सब लाइब्रेरी में रेड. अबे क्या तो सही में लाइब्रेरी जाती है? लाइब्रेरी बोलना भी नहीं आ रहा तेरे को. हम सब लाइब्रेरी में लेट, लाइब्रेरी में लेट, ठीक है. लेट जाते हो लाइब्रेरी में? हम सब लाइब्रेरी में लेट तक रुकते हैं. हम सब लाइब्रेरी में रेट. विधि तो पक्का नहीं जाती लाइब्रेरी, कहाँ जाती है सही सही बता. हम सब लोग लेट तक लाइब्रेरी में रुकते हैं और पढ़ते हैं. Obviously. Meanwhile. Hey guys, I know you guys are probably missing me because, you know, I'm the soul of this channel. और मेरे बिना सब कुछ सुना सुना लग ही रहा होगा, but
I'm literally at the edge of the world here in Australia. We went to Perth, Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane. Abhi hum Gold Coast mein hai. और इसके बाद होबार्ट जाना है, डार्विन जाना है और उसके बाद न्यूजीलैंड भी जाना है गाइस। तो अभी और भी काफी टूर बचा हुआ है, बट इन द मीन टाइम यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल, रील्स वील्स डाल रहा हूँ मैं उसमें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।